एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। एंड टुडेस टॉपिक जर्नल एंट्री। सो फ्रेंड्स, आज हम जर्नल एंट्री करेंगे, उसका बेसिक सा टॉपिक करेंगे। और जो प्रीवियस वीडियो में हमने जो तीन रूल्स पढ़े थे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट, तो उसका यूज करके हम एंट्री करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन एंड प्रॉफिट नॉमिनल अकाउंट है। तो ये तीन जो अकाउंट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ताकि जो जब हम जर्नल जब एंट्री यहाँ पे हम करेंगे, तो हम इसको समझेंगे कि कैश क्यों डेबिट हुआ और कैपिटल क्यों क्रेडिट हुआ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये इसको यूज करते हुए हम फर्स्ट देखेंगे, मोनू एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। तो जो इसकी एंट्री होगी कि मोनू एंड सन्स ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए कैश के साथ, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जैसे कि यहाँ पे हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 लाख रुपए से दोनों साइड। तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पे ये डेबिट इस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि डी और कैपिटल डी और आर से डिनोट किया जाता है। अब मैं ये बेसिक सी चीजें मैं नहीं बताऊंगी, मैं जो एंट्री है ये डेबिट क्यों हुआ और ये क्रेडिट क्यों हुआ हम इसकी बात करेंगे। तो देखो, डेबिट यहाँ पे कैश हुआ, इसका मतलब है कि हम रूल को चेक करते हैं कि जो रूल है कौन सा वाला सेक्ट। देखो फर्स्ट में देखो, डेबिट रिसीवर, तो यहाँ पे कोई रिसीव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा। तो सेकंड देखते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। तो ये रूल अप्लाई होता है रियल अकाउंट का, कि डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, ठीक। तो इसलिए कैश को डेबिट करेंगे, और जो कैश है वो रियल अकाउंट है, ठीक है। जो क्रेडिट है, अब हम क्रेडिट को टू से यहाँ लिखते नहीं है, हम टू से डिनोट कर देते हैं, तो ये पता चल जाता है कि ये क्रेडिट है। तो क्रेडिट कैपिटल को क्यों करेंगे, तो फ्रेंड्स देखते हैं कि जो कैपिटल है वो क्या है। कैपिटल एक तरीके से लाइबिलिटी है, हम ये भी कह सकते हैं। और सेकंड थिंग कि जो कैपिटल है वो क्या है, फर्स्ट देखिए क्रेडिट में रूल, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो यानी कि जो पर्सनल अकाउंट है, कि जो क्रेडिट है वो गिवर, यानी कि जो ये मोनू एंड सन्स ने दिया है कैपिटल, मतलब दिया इन द सेंस कि बिजनेस में लगाया है, तो ये पर्सनल अकाउंट हुआ। और पर्सनल अकाउंट का कौन सा वाला रूल, गिवर, यानी कि दिया है। और आपको पता है कि जो ऑनर और बिजनेस दोनों सेपरेट एंटिटी होती है, यानी कि जो बिजनेस है और जो बिजनेस का ऑनर है वो दोनों कानून की दृष्टि से, कानून की नजर में वो अलग होते हैं, ठीक है। तो यानी कि समझ में आ गया होगा कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल क्यों हुआ। तो कैश इसलिए क्योंकि रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन रूल, एंड सेकंड जो कैपिटल है वो क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट इसका मतलब कि क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो जो भी ऑनर है उसने पैसा लगाया है, तो इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। सेम इसी तरीके से सेकंड है, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 रुपीज, इसका मतलब है कि जो मोनू एंड सन्स है उसने गुड्स को परचेज किया है 10,000 रुपए से, ठीक है। जो मींस बिजनेस है उसने 10,000 रुपए से परचेज किया है गुड्स, कैसे परचेज किया है, कैश देकर, ठीक। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी वो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये परचेज डेबिट क्यों हुआ, ठीक। तो यहाँ पे परचेज डेबिट इसलिए हुआ, हम रूल में एक बार चेक करते हैं भाई। देखो यहाँ पे कोई रिसीव नहीं कर रहा, ठीक है, डेबिट है रिसीव, यानी कि ये रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ डेबिट कुछ आया भी नहीं है बिजनेस में, इवन बिजनेस ने परचेज किया है, ठीक है, तो ये वाला रूल भी नहीं लगेगा। फिर चेक करते हैं थर्ड वाला, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब देखो जो ये नॉमिनल अकाउंट है, कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के वो होते हैं डेबिट। तो यहाँ पे जो ये परचेज है वो क्या है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका खर्चा है, तो इसलिए इसको डेबिट करेंगे। एज ए रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या हो रहा है कि जो बिजनेस है उसने
खर्चा किया एंड क्रेडिट टू क्रेडिट। अब क्रेडिट यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि हम रूल चेक करेंगे क्या गया। अब ये देखो जो सेकंड वाला है क्रेडिट में कि गिवर, यहाँ पे गिव कोई तो दे नहीं रहा, बिजनेस को कुछ नहीं दे रहा, बट जो सेकंड रूल है रियल अकाउंट का कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यानी कि जो कैश है वो बिजनेस से गया, ठीक है, बिजनेस से पैसा गया, तो इसलिए ये वाला रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा और इस वजह से टू कैश जो है वो क्रेडिट होगा 10,000 से यहाँ डेबिट में और यहाँ भी 10,000 से। आई होप फ्रेंड्स समझ में आया होगा। एंड थर्ड एंट्री देखते हैं, ई सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹15,000, यानी कि कंपनी ने जो मोनू एंड सन कंपनी है उसने गुड्स को बेचा कितने में, 15,000 में। गुड्स को जब बेचा तो इसका मतलब जो ये एंट्री होगी वो क्या होगी, जब कोई चीज बेचते हैं तो पैसा आता है बिजनेस में, ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब कैश जैसे कि बिजनेस में आया है तो एज फॉर रूल रियल अकाउंट की डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को हम यहाँ पे क्या कर दिए, डेबिट, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट का चेक करते हैं कि क्रेडिट ये टू सेल क्रेडिट क्यों आया, तो यहाँ पे देखो जो क्रेडिट वाला जो रूल है कि क्रेडिट गिवर, यहाँ पे कोई दे तो यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं हो रहा क्योंकि कोई कुछ दे नहीं रहा। सेकंड रूल की गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ से कुछ जा भी नहीं रहा है, ठीक है, तो सेकंड वाला है रूल, थर्ड वाला सॉरी, कि क्रेडिट ऑल गेन एंड प्रॉफिट, तो यानी कि जो सेल की वजह से प्रॉफिट हुआ है, मतलब सेल की वजह से क्रेडिट आया है, तो सेल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट एज पर रूल नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा फ्रेंड्स, यानी कि जो ये परचेज है अकाउंट और जो सेल्स अकाउंट है ये दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है। एंड फोर्थ, पेड सैलरी टू गोपाल ₹1,200, इसका मतलब है कि जो मोनू एंड सन्स है उन्होंने गोपाल को ₹1,200 पे किया सैलरी के। अब देखो जो इसकी जो एंट्री होगी, पेड सैलरी टू गोपाल ₹1,200, इसकी क्या एंट्री होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट ₹1,200 टू कैश। अब यहाँ पे सैलरी ही क्यों आया, ठीक, तो यहाँ पे ये देखेंगे कि जब गोपाल को सैलरी मिली तो सैलरी एक तो हो गया कैश मिला, ठीक, गोपाल को मिला और सैलरी भी मिली, यहाँ पे तीन चीजें हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है, सैलरी, कैश एंड गोपाल, ठीक। बट हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो गोपाल का नाम नहीं आया वो इसलिए नहीं आया कि एक्चुअली जो गोपाल है, गोपाल को किस वजह से, मतलब जो एक किस वजह से उसको पैसे मिले हैं, मतलब सैलरी मिली है, तो यहाँ पे एज फॉर रूल जो सैलरी है वो नॉमिनल अकाउंट मानकर सैलरी को डेबिट करेंगे क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं आएगा, ठीक है, तो सैलरी को मीन्स कंपनी के लिए ये खर्चा है, तो एज पर रूल की ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो यहाँ पे सैलरी को डेबिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ नाम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि उसने सैलरी गोपाल को क्या पे किया, सैलरी पे किया, ठीक है। एंड टू कैश, कैश जैसे कि जा रहा है, आपको पता है कि रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे कैश क्रेडिट होगा क्योंकि कैश है वो जा रहा है, ठीक है, बिजनेस से। आई होप फ्रेंड समझ में आया होगा। एंड लास्ट है, रिसीव कैश फ्रॉम सोनी ₹1,000, यानी कि अन ने सोनी से ₹1,000 लिए, रिसीव किए, ठीक, तो रिसीव किया किसने, फॉर्म ने, तो फॉर्म ने रिसीव किया, तो फॉर्म के लिए क्या हुआ, बिजनेस में पैसा आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सोनी, इसका मतलब कि डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जो कैश है वो रियल अकाउंट माना जाता है और यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये वाला रूल फॉलो होता है रियल वाला कि बिजनेस में कैश आया एंड किसकी वजह से आया, तो किसकी वजह से आया, सोनी की वजह से आया, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा वाला रूल लगेगा, ये सेकंड में टू सोनी क्यों आया, क्योंकि जो हम रूल चेक करेंगे कि क्रेडिट कौन कौन सा होता है, तो यहाँ पे देखो क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ
सोनी दे रहा है इसलिए क्रेडिट आया। अगर हम चेक करेंगे देखो गोज आउट कुछ भी नहीं जा रहा यहाँ पे, ऑल गेन एंड प्रॉफिट ये भी नहीं अप्लाई होगा, तो यानी कि जो फर्स्ट हैंड पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट ये सोनी यहाँ पे यूज होगा। और कैश अकाउंट में 1000 रुपीज एंड टू सोनी अकाउंट 1000 रुपीज यहाँ भी लिखेंगे। तो आई होप फ्रेंड समझ में आया होगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये डेट पर्टिकुलर और LF डेबिट एंड क्रेडिट का परफॉर्मा कैसे होता है, क्योंकि ये बेसिक सा था इसलिए, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी होती इसलिए नहीं बनाया। सो थैंक यू सो मच।